ऐसा पंडित और आते कई देश का तेजी से बढ़ता चयन लेके आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए कवायद कर रहे हैं, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और युवतियां भी प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रभावित होकर स्वयं को सशक्त बनाने के साथ ही शिक्षित करने की कोशिश में लगी हुई है। यही नहीं, गांव की दूसरी महिलाओं और युवतियों को सशक्त बनाने की मुहिम चला रही है। ऐसा ही कुछ यूपी के जनपद और बिहार में देखने को मिल रहा है, जहाँ आए महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे अपराध से भय भीत होकर ग्रामीणों ने अपने बच्चों को शिक्षा से लेकर अपनी प्रतियोगिता से दूर कर दिया। यही नहीं, घर से बाहर निकलना भी बंद करा दिया था, लेकिन गांव की अनामिका प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रभावित होकर गांव की युवतियों और महिलाओं को शिक्षित होना भी दौर अच्छा करने की शिक्षा देने लगी। इस कार्य के शुभारंभ में पहले तो उसको काफी परेशानी और ग्रामीणों को तिरस्कार का सामना करना पड़ा, लेकिन अनामिका ने हिम्मत नहीं छोड़ी और लोगों को समझाने का प्रयास नहीं छोड़ा और आगे चलकर उनको सफलता हाथ लगी। गांव की महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के गुण बताती है युवती, शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा देती है। ये युवती गांव और क्षेत्र की गौरव बनी है। ये युवती बिना किसी सरकारी सहायता के महिलाओं और युवतियों को निःशुल्क जानकारी और प्रशिक्षण देती है। ये युवती सिलाई सिखाती है। ये युवती महिलाओं और युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। ये युवती के नजारा कानपुर देहात के हदेसा गाँव का है, जहाँ की अनामिका गाँव की महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की योजना पर कार्य कर लोगों की प्रेरणा बन गई है। ग्रामीणों ने महिलाओं और युवतियों को आए दिन हो रहे अपराध से भयभीत होकर अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, उनकी पढ़ाई को बंद कर उन्हें घर में कैद नुमा जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर कर दिया था। इसको देखकर अनामिका ने गाँव की महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के निर्णय लिया और कार्य शुरू भी कर दिया। अनामिका ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षा के दौरान पढ़ी बेटियां योजना के प्रभावित होकर महिलाओं को सिलाई शिक्षा और आत्मरक्षा के विषय में जानकारी देने के साथ उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य शुरू कर दिया। इस कार्य के शुरुआत में अनामिका को काफी परेशानियों और ग्रामीणों की तिरस्कार का सामना करना पड़ा, लेकिन अनामिका ने हिम्मत नहीं हारी और लोगों को समझाने का प्रयास जारी रखा और अंत में उसे सफलता हाथ लगी, जिसके बाद अनामिका ने अपने घर में गाँव की महिलाओं और युवतियों को शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दिया। आत्मरक्षा सिलाई और शिक्षा का ज्ञान देने के साथ ही अनामिका ने गाँव की युवतियों की खेल प्रतिभाओं को भी निखारा और ग्रामपुर देहात के बाद अन्य जनपदों में भी आयोजित खेल और अन्य प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग भी कराया, जिसके चलते गांव की महिलाएं और युवतियां भी बढ़ चढ़कर आगे आ रही है, हिस्सा ले रही है। यही नहीं, अनामिका को अपना अपनी प्रेरणा स्रोत भी मान रही है। वही इस कार्य में अनामिका के परिजनों ने भी उसका खुलकर साथ दिया और परेशानियों से डटकर सामना करने के लिए समय समय पर प्रेरित करते रहे। क्या क्या सीखा आप लोग? हम लोगों ने बहुत सारी गेम्स सीखी। हमारी दीदी हम लोगों को बना रहा है, सौ झूल रख सामान लेके गई हम लोगों को। हमारी मम्मी पापा जान नहीं दे दीजिए, हमारी दीदी हमारे मम्मी पापा को समझा कर लेके गई है। अब हम लोग भी हिम्मत हो गई, अब जहाँ दीदी कहती नहीं हमारे लोग मम्मी पापा भेज देती है और दीदी ने हम लोगों को बहुत आगे बढ़ा दिया है। नहीं है तो तुम डांस ही सीखो और माँ बाप को इतना हौसला दिलाओ कि हम डांस करेगा। लेकिन देखो ये नहीं जरूरी नहीं है कि हम जाओ। मेरे मम्मी पापा मुझे वैसे नहीं करने देते हैं, लेकिन अनामिका देवी ने मुझे इतना हौसला दिलाया कि आज हम रायपुर और यहाँ तक कि बनारस तक भी हो आए हैं और वहाँ से भी विजयी होकर आए। क्या क्या आपने सीखा है इसमें? मुझे हम कबड्डी खो खो और ऐसे भी बहुत गेम सीखे हैं, यहाँ तक भी सिलाई भी और डांस और ये सिंगिंग सब हम अधिकतर सब कुछ सीख लिया। अच्छा, जब ये सिखाती थी क्या तुम पैसे दे रही थी आपसे? नहीं, कोई रुपया नहीं ले फ्री में। आपको कैसा फील हो रहा है इनके बाद? अच्छा फील हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे हम आगे बढ़ गए हैं वैसे सारी लड़कियाँ आगे बढ़े। नमस्कार, कानपुर से चैनल इंडिया लाइव के लिए अभिषेक पांडे की स्पेशल रिपोर्ट।